भारत से दोस्ती के लिए अमेरिका ने पीएम मोदी के सामने खजाना खोल दिया तो दुनिया की आंखें फट गई। फटे भी क्यों ना, आखिर अमेरिका ने भारत को सुपर पावर जो कह डाला। लेकिन अब अमेरिका के बाद फ्रांस भारत को देने लगा एक से बढ़कर एक तोहफा, और दुनिया ने देख लिया कि भारत से पक्की दोस्ती के लिए फ्रांस कुछ भी कर सकता है। दरअसल पीएम मोदी अमेरिका गए थे, जहां पर लड़ाकू जेट इंजन बनाने के लिए अमेरिका और भारत में प्लांट लगाने का समझौता हो गया, और देखते ही देखते उसके बाद फ्रांसीसी कंपनी सफ्रान भारत के साथ एक 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट मिलिट्री इंजन बनाने के लिए तैयार हो गई। फ्रांसीसी कंपनी ने 2 साल पहले जेट इंजनों की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन इसके लिए 1 बिलियन यूरो से अधिक की मांग करने का ये मामला अटक गया था। लेकिन अब फ्रांसीसी कंपनी DRDO के गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट यानी GTRE के साथ एक नया अत्याधुनिक 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट इंजन विकसित करने के लिए तैयार है। प्रस्ताव में कहा गया कि टोटल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क 2 के लिए इंजन बनाया जाएगा। फ्रांसीसी कंपनी अपनी ऑफसेट प्रतिबद्धताओं के हिस्से के रूप में भारत में विमान इंजनों के लिए रखरखाव, मरम्मत और ओवरहॉल सुविधा की घोषणा करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका है। ये MRO सुविधा 100% भारतीय सहयोग से स्थापित की जाएगी, जो न केवल भारतीय वाणिज्यिक विमानों के लिए लगभग 330 इंजनों को सेवा प्रदान करेगी, बल्कि दक्षिण एशिया के अन्य देशों के सफ्रान GE संयुक्त उद्यम इंजनों को भी सेवा प्रदान करेगी। चलिए अब जानते हैं कि क्यों भारत को ऑफर देने लगा फ्रांस। दरअसल महत्वाकांक्षी 5वीं पीढ़ी के विमान के लिए कोई स्वदेशी जेट इंजन नहीं था भारत के पास, इसलिए भारत ने विदेशी कंपनियों पर निर्भरता कम करने के साथ ही आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया मिशन को बढ़ावा देते हुए AMCA के इंजन का निर्माण भी खुद ही करने का फैसला लिया। 5.5 जनरेशन के विमान को शक्ति देने के लिए 120 किलो न्यूटन के इंजन का विकास किया जाना है। इसके साथ ही ये भी जान लीजिए कि भारत के साथ 2016 में 7.8 बिलियन यूरो के राफेल सौदे पर हस्ताक्षर करते समय फ्रांस ने भारतीय ऑफसेट पॉलिसी के तहत भारत में 50% यानी 3.9 बिलियन यूरो का निवेश करने का करार किया था। इसके बावजूद ऑफसेट अनुबंध के हिस्से के रूप में इंजन बनाने की तकनीक ट्रांसफर नहीं की गई, बल्कि फ्रांसीसी इंजन कंपनी सफ्रान 1 बिलियन यूरो से अधिक मांग करने लगी, इसलिए जेट इंजनों की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का मामला लटक गया। तो वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी ने अमेरिका जाकर लड़ाकू जेट इंजन बनाने के लिए भारत में प्लांट लगाने की डील फाइनल कर दी। और यहाँ सबसे बड़ी बात ये थी कि अमेरिकी कंपनी GE एयरोस्पेस ने खुद घोषणा की कि उसके सहयोग से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL भारत में ही लड़ाकू विमानों के लिए GEF-414 इंजन बनाएगा, जिससे भारत के फाइटर जेट को आधुनिक इंजन मिल जाएंगे। बाद में अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के साथ प्रधानमंत्री मोदी की द्विपक्षीय वार्ता के बाद भारत को जेट इंजन निर्माण तकनीक हस्तांतरित यानी ट्रांसफर करने के इस ऐतिहासिक रक्षा सौदे की घोषणा भी की गई। खैर कुछ भी हो, लेकिन ये हम आप सब देख रहे हैं कि दुनिया के तमाम देश भारत से पक्की दोस्ती के लिए लाइन लगाकर खड़े हो चुके हैं, और अब देखना तो ये है कि क्या फ्रांस के इस ऑफर को भारत एक्सेप्ट करता है या फिर नहीं। और आपका क्या कुछ कहना है, भारत को फ्रांस का ये ऑफर स्वीकारना चाहिए या फिर नहीं, कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।